दोस्तों, कढ़ी की ये रेसिपी बहुत ही जल्दी बन जाती है और जिस तरीके से मैं बना रही हूँ ना, इससे क्या है ना कि हमारा जो कढ़ी ना अच्छे से जो बेसन है अच्छे से भूनने के बाद ही हम इसको तैयार करें। सबसे पहले सरसों का तेल, नहीं मैंने कुछ और ही तेल लिया है, रिफाइंड बना सकते किसी में, लेकिन सरसों के तेल की और लोहे की कढ़ाई में मज़ा आ जाएगा दोस्तों। तो यहाँ राइस ब्रैन ऑयल के साथ मैं बना रही हूँ। लाल मिर्ची डाल दी है मैंने, उसके बाद डाल दिया है राई के कुछ दाने और कड़ी पत्ता और प्याज। इन सबको अच्छे से भूनते हुए इसमें मिला देंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट। इसको भी अच्छे से भून लेना है जिससे कि आपका जो जो महक है, खुशबू है, वो फैल जाए, तभी हम इसमें हम डालेंगे बाकी कुछ चीज़ें। तो मेन चीज़ हमारा जो है इसमें कड़ी पत्ते है, तो कड़ी पत्ते के बिना कड़ी संभव नहीं है। तो दोस्तों, ये थोड़ा सा ब्राउन हो चुका है, अब इसमें मैं डाल दूंगी बेसन। तो गाइस, यहाँ पर बेसन भून करके बनाया जा रहा है। तो बेसन डालने से पहले इसमें कुछ मसाले जो बेसिक से हैं, हल्दी है, नमक है और लाल मिर्च पाउडर, चाहे तो धनिया पाउडर डाल सकते हैं, और गरम मसाला बिल्कुल भी ना डालें दोस्तों। इससे क्या है ना, इसका जो नेचुरल खुशबू है ना बेसन का, वो दब जाएगा। सिर्फ इसमें डालेंगे हम हल्दी, नमक, मिर्च और साथ में डाल दिया बेसन। तो यहाँ पर बारीक बेसन के साथ बनाई जा रही है कढ़ी, और उसको अच्छे से भून लेंगे, इतना भूनेंगे कि ये बिल्कुल ब्राउन हो जाए और खुशबू छोड़े। अब देखिए, झाग जैसा हो गया ना ये, इसका मतलब ये भुन चुका है। अब हम इसमें डाल देंगे दही। तो इसको अब इसमें एक और चीज़ है, हींग डालना ना भूलें, हींग जरूर डालेगा। और यहाँ पर मैंने डाल दी एक कटोरन दही, इसको भी लगातार चलाते हुए भून लेंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे। जो ये है मिक्सचर, बहुत अच्छे से फाइन सा पेस्ट सा बन जाएगा। और जब ये मतलब इसका तैयार ये तब होगा जब लगे कि आपका जो मिक्सचर है एक साथ इकट्ठा हो गया और कढ़ाई में हल्के हल्के चिपक रहा। अब ये हो गया तैयार, अब हम इसमें डाल देंगे पानी। पानी इतना डालेंगे, आपको गाढ़ा खाना है, गाढ़ी कढ़ी चाहिए तो कम डालिए, अगर आपको थोड़ी सी पतली कढ़ी चाहिए तो पानी ज़्यादा डाल दीजिए, और दही की क्वांटिटी देख करके डालिएगा, खट्टी है तो कम डालिए, मीठी है तो थोड़ा ज़्यादा डालना पड़ेगा। तो गाइस, अब इसको पकने के लिए रख देते हैं, साइड में डाल देते फटाफट प्याज की पकौड़ियाँ जो कढ़ी में डलेंगी। छोटे छोटे डाल दिए मैंने टुकड़े बेसन के साथ, मैंने इसको भून लिया था, प्याज को बारीक कटा प्याज था, नमक मिर्च बस उसी तरीके से डाला और बना लिया है पकौड़ी। तो पकौड़ी बनने में थोड़ा सा टाइम लगे जब तक हमारी कढ़ी भी तैयार हो जाएगी। तो अब देखते हैं हमारी कढ़ी तैयार हुई है कि नहीं। पकौड़ियाँ ब्राउन हो चुकी हैं, पकौड़ी को हम निकाल देते हैं, और साइड में कढ़ी भी तैयार है दोस्तों। यहाँ पर उबाल आ गया कढ़ी में, अब हम डाल देते हैं गर्मा गर्म पकौड़ियाँ। तो इससे क्या होगा ना, पकौड़ी अच्छे से मिक्स हो जाएगा, सौगी सौगी सा, सॉफ्ट सॉफ्ट सा हो जाएगा और अच्छे से खुशबू देगा। तो गाइस, आज की रेसिपी आपको कैसी लगी ज़रूर बताना। तो दोस्तों, यहाँ पर मैंने बना लिया है राइस, साथ में खा रहे हैं कढ़ी, और करेला है और पापड़ है। तो आज का लंच ये है, पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब, बाय।